have different types of pressures. First of all, we need to understand what are the different types of pressures. Okay, first one is your absolute pressure. Second one is your gauge pressure. Okay, third one is your atmospheric pressure, and next one is your vacuum pressure. Okay, now whenever we try to calculate, so this is called your absolute zero. What is your atmospheric pressure? Atmospheric pressure क्या है कि whatever the atmosphere is exerting the pressure on the earth surface. Okay? अब earth surface के ऊपर में क्या है, जो atmosphere है वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है. सो नाउ अब पूरी की पूरी सिस्टम में, पूरे की पूरे अर्थ में, इज देयर एनी पॉइंट वेयर देयर इज नो एनी एटमोस्फेयरिक प्रेशर? कैन वी से दैट देयर इज नो एनी एटमोस्फेयरिक प्रेशर? Because here atmosphere is the layer of gases. Okay, अब layer of gases है, इसका मतलब complete vacuum तो नहीं है, ठीक है? जो atmosphere है वो क्या कर रहा है, earth के surface के ऊपर जितना भी pressure exert कर रहा है, ठीक है, whatever the pressure atmosphere is exerting, that is called atmospheric pressure. Okay, अब atmospheric pressure, जैसे कि this is your land surface, या फिर आप कह सकते हैं this is your sea level. Okay, सी लेवल के ऊपर में क्या है, आपको पूरा का पूरा एटमोस्फेयर मिल रहा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर आपका एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है? दिस इज एक्सर्टिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर. बट वी कांट से दैट एट एनी पॉइंट इन द ग्राउंड सरफेस कि वहाँ पर जो है प्रेशर की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही जीरो प्रेशर है, ये प्रेशर है ही नहीं. आपका एटमोसफेयर तो हर जगह ही प्रेजेंट है, तो दैट विल एग्जर्ट सम ऑफ द प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर क्या करेगा, वो एग्जर्ट करेगा, ठीक है? नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर एट एनी पॉइंट. ओके, मुझे कहीं पर भी एक अर्थ में कहीं पर मुझे एक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट लूँगा, ठीक है? जैसे कि सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है? उस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू कैलकुलेट द प्रेशर, ठीक है? अब यहाँ हम ये मान करके चलते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर आपका एब्सोल्यूट जीरो आ रहा होगा प्रेशर, ठीक है? तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन योर एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर. ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप? आई कैन से इफ दिस इज योर एब्सोल्यूट जीरो, ओके, इफ इट इज दिस इज योर एब्सोल्यूट जीरो, सो यहां से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इतना जो प्रेशर है, दिस इज योर एटमोस्फेरिक प्रेशर. This is your atmospheric pressure. इतना atmospheric pressure को क्या रहेगा, ठीक है? So this is the line of your atmospheric pressure. So whatever the pressure I calculate above the atmospheric pressure is called your gauge. ठीक है? Whatever the pressure I am calculating above the atmospheric pressure is called your gauge pressure. Because किसी भी पॉइंट पर जब मैं प्रेशर को कैलकुलेट करूँगा तो वहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, ठीक है? एब्सोल्यूट प्रेशर से यहाँ तक का एटमोस्फेरिक प्रेशर तो वहाँ पर लग ही रहा है, ठीक है? बट उसके बाद में हम किससे मेजर कर रहे हैं, वहाँ पर उस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं, तो उस डिवाइस से कितना प्रेशर आ रहा है वो हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर. तो जो भी गेज प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो उसमें जो भी वैल्यू आती है, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबव योर एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की वैल्यू होती है, ठीक है? तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वी आर कैलकुलेटिंग द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो. इफ आई वांट टू कैलकुलेट, अगर जैसे सपोज मुझे यहाँ पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूँगा, तो ये क्या होगा, दिस विल बी योर एब्सोल्यूट प्रेशर. Okay, absolute pressure will be equal to your atmosphere.
atmospheric pressure plus this gauge pressure. Okay, so I can write here P absolute is equal to P atmospheric plus P gauge. I can establish this relationship from here. Okay, absolute pressure is the pressure which is measured with respect to your absolute vacuum pressure. या फिर हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो मतलब कि जिसको हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही बेस से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट प्रेशर. नाउ एटमोस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज योर एटमोस्फेरिक प्रेशर? व्हाट एवर द एटमोस्फेयर इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड योर एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो इट हैज सम पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 760 mm of mercury. Okay, 760 mm of mercury. Okay, so I can calculate from here. Okay, I can calculate from here what will be the value of atmospheric pressure. Now, if I say what is the density of mercury, density, or I can say that specific gravity of mercury is 13.6. Right? Now I want to calculate what will be the density of mercury. Density of mercury कितना हो जाएगा? 13.6 multiplied by 1000 हो जाएगा. Because specific gravity is equal to density of fluid over density of standard fluid. Okay. Is water, so density of water is 1000. So from here we can calculate the density of the fluid. So density of the fluid will be equal to specific gravity multiplied by the density of water. So 13.6 into 1000, so it is coming out to be this much. Okay, so this is the density of your mercury. Okay, so kitna ho jayega ye किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो इनटू जी इनटू एच. सो व्हाट आई एम सेइंग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जितना 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर जनरेट करे. ठीक है, जितना 760 mm ऑफ मर्करी की वजह से प्रेशर होगा. ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, एक हमने कोई भी मेजरिंग डिवाइस ली जिसमें मर्करी की है, वो कितना है, 760 mm. ठीक है, 760 mm का मर्करी है. ठीक है, सो आई विल कैलकुलेट द प्रेशर कि प्रेशर कितना लगाएंगे, टोटल प्रेशर कितना लगाएंगे. ओके, सो आई विल कैलकुलेट द प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, प्रेशर इज इक्वल टू रो इनटू जी इनटू एच. सो डेंसिटी इज 13,600. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी 9.81 मल्टीप्लाई बाय एच, एच इज 760 mm. ठीक है, सो mm है, सो वी नीड टू कैलकुलेट इट टू मीटर्स. So 0.760, okay, or it is 101.3 kilopascal. So this is the amount of the, this is the value of your atmospheric pressure. Okay, ये जो प्रेशर होता है ये कितने किसके बराबर होता है, ये प्रेशर किसके बराबर होता है, ये 10.3 meter of water के बराबर. 10.3 meter of water. So if you will calculate, you can calculate the value. Any particular point, I want to calculate the pressure, absolute pressure. So that will be equal to P atmospheric plus P gauge. Okay. So at any particular point, you can calculate this. Okay. Now we have discussed what is absolute zero. Absolute zero means complete vacuum. Complete vacuum. Okay. Complete vacuum, I will say that there is no any pressure exerting.
ओके, कंप्लीट वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि वहां पे कुछ भी कोई भी प्रेशर नहीं प्रेजेंट है, देयर इज नो एनी पॉइंट वेयर द प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो, ओके, बिकॉज़ अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल्स, द वैल्यू ऑफ दैट प्रेशर. सो दिस प्रेशर, इफ आई एम सेइंग 101.3 किलो पास्कल, दिस इज एट सी लेवल. सी लेवल के ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर लगाता है आप, इसके बराबर लगाएंगे. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, वैक्यूम प्रेशर. ओके, वैक्यूम प्रेशर इज इफ यू आर सपोज कैलकुलेटिंग द प्रेशर एट एनी पॉइंट एंड इट इज कमिंग बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आपने कहीं पे प्रेशर कैलकुलेट किया और वहां पर वो जो प्रेशर आया वो कितना आया, वो एटमॉस्फेयर से कम आया. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से कम आ रहा है मतलब कि ये सब तक यहां पे आएगा नहीं प्रेशर. ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर आएगा तो वो कौन सा प्रेशर होगा आपका, गॉज प्रेशर होगा. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई सा नीचे प्रेशर में आता है, कहीं पे नीचे आपकी तरफ प्रेशर आ रहा है, सो आई विल से दैट दिस इज कॉल्ड योर वैक्यूम प्रेशर. ओके, प्रेशर विच इज मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड योर वैक्यूम प्रेशर एंड द प्रेशर विच इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड योर गेज. तो यहां से हमारे पास एक और रिलेशन बनकर के आ सकता है. द रिलेशन इज नाउ दिस विल, दिस इज ऑल्सो ये नाउ टेल मी व्हाट विल बी दिस, ये प्रेशर क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो पी एब्सोल्यूट प्रेशर. तो व्हेनेवर आई एम मेजरिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट प्रेशर, एवरी टाइम इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, so here I am calculating the pressure from here to this point, so this is up to this point, so I can see here we have two formulas for P absolute. Okay, so I can see this is your P absolute, if I have this here. So P absolute can be equal to P atmospheric pressure, P atmosphere plus P. If the pressure is coming more than your atmospheric pressure, अगर pressure की value क्या है atmosphere से ऊपर आ रही है तो P absolute का formula ये हो जाएगा. ठीक है, and next formula can be written as P absolute is equal to atmospheric pressure minus vacuum pressure. ठीक है, सो किसी भी डिवाइस पे प्रेशर आ रहा है नेगेटिव प्रेशर, तो नेगेटिव प्रेशर मींस बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है. ठीक है, सो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी वैल्यू आपके पास में बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ रही है दैट इज कॉल्ड योर वैक्यूम प्रेशर. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर एट दैट पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू योर पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी योर वैक्यूम प्रेशर. ओके.